మేము జయ వాల్మీకి పూరీ सुस्ती के साथ आज का हमारा सेमिनार शुरू हुआ। सुस्ती के साथ हुआ मगर धीरे धीरे अभी तक जब हम अंत में पूर्वाजी को सुन रहे थे तो मेरे ख्याल से गजाला जी ने भी जो कहा वो बहुत बहुत ही आज देश की और खास तौर पे उसका असर जिसके ऊपर होना है, दलित के ऊपर, औरत के ऊपर, वो बहुत ही जलवंत, बहुत ही जिनको हम कहें कि हमारे जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई बात है, हम धीरे धीरे वहां पहुंचे हैं। सफलता और असफलता अगर सेमिनार के साथ, शिक्षा के साथ जोड़ के देखें, हमारे सेमिनार के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया, आपकी टीम ने। सबसे प्रमुख नाम है कांता जी का और पटियाला के लोग बहुत बेहतर जानते हैं उनके बारे में। बाकी लोगों को छोटी सी लाइन के साथ बता के आगे बढ़ना चाह रहा हूं कि जिस औरत ने जवानी में अपना पति खोया हो और एक बेटे के सहारे जीवन काटा और वो बेटा भी शादी के 4-5 साल बाद चला गया हो और वो अपनी बहू को पढ़ाने का प्रयास कर रही हो, MA कर रही अब उनकी बहू, और उसी की बेटी यहां बोल रही थी कि मेरी माँ भी पढ़ रही है और वो आज शायद कुछ बरसात रुकी है, वो बरसात में भी इस सेमिनार की तैयारी कर रही और कल आज जो हम लोग सुबह नाश्ता लिया, अभी जो नाश्ता मिलेगा वो कल शाम 7:30-8 के बीच में बारिश में सब्जी मंडी की तरफ जा रही है कि कल के लिए सब्जियां खरीद लाऊं। ये उसके घर का आयोजन नहीं था, उसके पोता पोती की शादी नहीं है, मगर उसके लिए ये बात अपने पोता पोती की शादी से बड़ी है, ये बड़ी है उससे। और ऐसे हम सोचते नहीं है, शिक्षा के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। अभी जो लास्ट में बात आ रही थी कि शिक्षा सवाल करना सिखाती है, इससे लोग डरते हैं। शिक्षा की बुनियाद ही यही है असल में, मैं इसको आसान करके बता रहा हूं। हमें जब पहली बार हम जब भाषा को थोड़ा सा समझ जाते हैं, वर्ड बिल्डिंग सीख जाते हैं, शब्दों को जोड़ना, तो पहला तीसरी चौथी क्लास में शुरुआत होती छोटी कहानियों की। तो कहानी पढ़ाता है टीचर पहले, फिर कहानी में से सवाल सिखाता है, उसकी बुनियाद ही यही कि सवाल करना। और जिसको चाहिए कि मैं अपनी सत्ता छोड़ू ना, तो वो सवाल से डरता है, सवाल से डरता है। और आज सत्ता में कौन लोग हैं, शायद देश का पहला प्रधानमंत्री है ऐसा, अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे जो गैर राजनीतिक प्रधानमंत्री हुए, जिनको सबसे कम नॉलेज थी राजनीति की, दिलचस्पी भी नहीं थी, राजीव गांधी। राजीव गांधी ने भी ऐसा नहीं किया कि सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना ना किया हो, उसने भी पूरे दुनिया की प्रेस को बुलाया बार बार और उनके सवालों के जवाब दिए। सवाल भारत से जुड़े हो,
विदेश नीति से जुड़े हों, सारे सवालों पे बात की उसने, जो बिल्कुल जिसकी राजनीति में रुचि नहीं थी। मगर हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री इतना नालायक कि जिसने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं किया, आज तक अपने मन की बकूंगा आपके सवाल नहीं सुन, उसके जवाब के लिए तैयार नहीं थी। क्यों कह रहा हूं मैं इतने गुस्से में ये बात, शायद आप लोगों ने पता नहीं समझा उस बातों को कि नहीं समझा जो बातें गजाला जी ने रखी हैं कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटीज में। यूजीसी के बारे में जो पूर्वाजी बोली, यूजीसी जो सारी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करती है, वो क्या करने जा रही है और इसका सबसे बुरा असर किस पे पड़ेगा। बिल्डिंग जब ऊपर से गिरनी शुरू होती है तो सबसे ज्यादा बोझ किसके ऊपर पड़ता है, जो सबसे नीचे होता है। और सबसे नीचे कौन है आज, अभी तक सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे हम ही है। इसका असर हमारे ऊपर पड़ना है, इसलिए हम चिंतित हैं। चिंतित हैं हम, सेमिनार करते हैं आप लोगों को, कई कई दिन हमारे वर्कर आपके पास पहुंचते हैं, पता नहीं आपका मन होता सुनने को कि नहीं सुनने को होता, मगर वो फॉर्म निकालते हैं, देखो शिक्षा सेमिनार है, इस फॉर्म को भरो। और मैं हैरान हूं, मुझे सुरेखा जी बता रही थी जब करनाल में सेमिनार हुआ, एक एमए की लड़की, एमए में पढ़ने वाला हमारा बच्चा, देखिए अब क्या पढ़ रहा हमारा बच्चा, एमए में पढ़ने वाली लड़की राष्ट्रपति के बारे में नहीं जानती, क्योंकि राष्ट्रपति की फोटो बार बार टीवी में आती नहीं है। एमए में हमारी लड़की जो पढ़ रही, जो राष्ट्रपति के बारे में नहीं जानती, वो बाकी बरीकियां कहां समझेगी, हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा। बहुत ज्यादा जिसको बुरा कह सकते हैं वो है, हमारा स्टैंडर्ड है कि अभी पटियाला और एक और शहर था होशियारपुर, पंजाब में कभी दो शहरों के नाम थे सबसे ज्यादा पढ़े लिखों के मामले में, वाल्मीकि समाज में, कि सबसे ज्यादा अधिकारी पटियाला और होशियारपुर में है, और आज इसी पटियाला में सबसे ज्यादा गणपति हैं, सबसे ज्यादा। और क्या है गणपति, मैल का एक ढेर, मैल का एक ढेर, कहानी तो यही है ना। और वो आप आपके घरों में स्थापित हो रहा है, और आपका मुख्यमंत्री जब जाता है वाल्मीकि तीर्थ, तो परमात्मा के पास से सारे लोग गोलक के ऊपर से भी पांव रख के निकलते हैं, वाल्मीकि तीर्थ की ये दुर्दशा होती है, और आप गणपति से जा रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं आप, आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या होनी है इसके बाद, उस तरफ जा रहे हैं। तभी जब चंदन जी बोल रहे थे कि गणपति को डुबोने गए, मैं कहा नहीं, गणपति को नहीं डुबोने गए, खुद डूबने गए, ये खुद डूब रहे हैं, पता ही नहीं है हम कहां हैं, कहां हमारा पैसा लग रहा है, रोज संघर्ष हो रहा है कि जी इसका नगर पालिका के मुलाजिम पक्के कर दो, क्यों, क्योंकि जी तनख्वाह 7,000-8,000 से बढ़ के 15,000-20,000 हो जाएगी, मगर बढ़ के करोगे क्या उस पैसे का, बढ़े हुए पैसे का करोगे क्या, बजट सिस्टम तो है नहीं हमारे पास,